Hello my dear students, good morning to all. Today's date is 27th May 2021. Subject Social Science, Class 6, Chapter 2. My dear students, we're reading the chapter Diversity and Discrimination. हम लोग पिछले क्लास में डिफरेंस इन प्रेजुडाइज के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? हम लोग को किस प्रकार से हम लोग अपने आप को अलग सोचते हैं. हम लोग पढ़े कि हम लोग का जो इंडिया है उसमें 600 लैंग्वेजेस है, जो कि सबका मदर टंग है, और 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म्स है, राइट? और हम लोग उन लोगों के साथ ही अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं जो हम लोग जैसा दिखता है, हम लोग जैसा सोचता है, और हम लोग जैसा ड्रेस और बातें करता है, राइट? और हम लोग जो हम लोग जैसा नहीं दिखते, हम लोग उनके अगेंस्ट हम लोग खराब सोचते हैं, राइट? उन लोग के ऊपर हम लोग गलत विचार देते हैं, राइट? उन लोग के ऊपर जो हम लोग का थॉट्स है वो बहुत गलत होता है, रॉन्ग होता है. तो यही चीज़ हम लोग उसको पढ़ रहे थे. तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं. सम ऑफ दिस स्टेटमेंट्स सी विलेजेस एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड एंड लेजी. व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, सीइंग देम एज लेजी स्टिंजी एज सम ऑफ दिस स्टेटमेंट, देन दिस बिकम प्रेजुडाइज दैट वी कैरी अबाउट देम. यहाँ पे बोला गया कि ऐसा स्टेटमेंट है जो अगर हम देखें तो गांव वाला लोग इसे इग्नोरेंट बोलते हैं, और जो सिटीज़ में रहते हैं उसे मनी माइंडेड या फिर लेजी हम लोग बोलते हैं, राइट? और जब हम लोग का ओपिनियन ऐसा होता है जो हम लोग हमेशा किसी भी पर्सन के अगेंस्ट हम लोग क्या नेगेटिव ही सोचते हैं कि वो लेजी है, स्टिंजी है, राइट? तो ये सब स्टेटमेंट हमें क्या बना देता है? प्रेजुडाइज. तो चलिए प्रेजुडाइज क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं. Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. Prejudice का मतलब होता है किसी और people को हम लोग negatively judge करते हैं, right? और उसे हम लोग inferior के तौर पे देखते हैं. नहीं, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा कपड़ा नहीं पहनता है, वो मेरे से नहीं दिखता है. तो ये inferiority हम लोग create करते हैं. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, and often we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. For example, if you think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. As a result, we might not respect people who speak languages other than English. यहाँ पे बोला गया कि अगर हम लोग सोचते हैं एक पार्टिकुलर वे में कि ये सही है, ये बेस्ट है, ओके, टू द थिंग्स वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स. जैसे हम लोग कभी किसी और पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं करते. जैसे मान लीजिए अगर कोई दूसरा पर्सन स्वीपर है, राइट? हम उससे कितना मतलब छोटा जात का है, इसका ड्रेसअप अच्छा नहीं है, डर्टी रहता है, ये अनक्लीन है, इसका लैंग्वेज अच्छा नहीं है, लाइक वो जो फूड वो खाता है अच्छा नहीं है, लाइक हम लोग के जैसा नहीं मिलता है, देन हम लोग उसे इन्फीरियर के तौर पर देख रहे हैं, राइट? उसको हम लोग क्या करें, उसे हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देते, जो कि ये चीज़ बहुत गलत है, ओके? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, जैसे मानो इंग्लिश एक बहुत अच्छा लैंग्वेज है, ठीक है, बाकी लैंग्वेज से इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो हम लोग इंग्लिश के ही तौर पे जज करते हैं कि देखो वो ये वाला भाषा बोल रहा है उसका अच्छा नहीं है, वो हिंदी बोल रहा है वो अच्छा नहीं है, वो बंगाली बोल रहा है वो अच्छा नहीं है, देखो वो इंग्लिश बोल रहा है वो अच्छा इंसान है. तो उस प्रकार से हम लोग लैंग्वेज के तौर पर भी आदमी लोग को जज करते, जो कि ये बहुत गलत है. हम लोग लैंग्वेज के तौर पे वो पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं देते. जैसे मानो अगर वो पर्सन इंग्लिश बोलना नहीं जानता, उसका मतलब अगर वो हिंदी बैकग्राउंड का है तो वो अच्छा नहीं है. नहीं, हम लोग लैंग्वेज के तौर पे उसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, राइट? वी कैन बी प्रेजुडाइज अबाउट मेनी थिंग्स. पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, द कलर ऑफ द स्किन, देयर द रीजन दे कम फ्रॉम, द एक्सेंट दे स्पीक इन, द क्लोथ दे वेयर एक्स्ट्रा. हम लोग बहुत सारे चीज़ों में प्रेजुडाइज हो सकता है, मतलब बहुत सारे चीज़ों में हम लोग किसी भी पर्सन को जज कर सकते हैं, या फिर उनके उस पर्सन के ऊपर हम लोग नेगेटिविटी थॉट्स या इन्फेरियरिटी हम लोग दिखा सकते हैं. जैसे बहुत सारे कारण हैं, जैसा रिलीजियस बिलीफ में, जैसा कस्टम्स कल्चरल बिलीफ में, उसके बाद उन पर्सन का स्किन के ऊपर, फिर उन लोग कौन सा एरिया से आते हैं, उन लोग किस तरह के भाषा बोलते हैं, फिर उन लोग किस तरह के कपड़ा पहनते हैं. तो ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोग पर्सन को क्या करते हैं, प्रेजुडाइज करते हैं, उनको जज करते हैं, उनका नेगेटिविटी उनके ऊपर हम लोग नेगेटिव थॉट्स लाते हैं, और फिर उनको इन्फेरियरिटी के तौर पर हम लोग देखते हैं. ऑफन आवर प्रेजुडाइज अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रांग दैट वी डोंट वॉन्ट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम. एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम. हम लोग के उनके ऊपर प्रेजुडाइज इस प्रकार से हो जाता है कि हम लोग अपने आप में स्ट्रांगली बिलीव रखते हैं, और हम लोग उससे दोस्ती भी नहीं करते, और हम लोग ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे कि उस पर्सन को चोट पहुंच सकता है, ठीक है?
तो हम चाहते हैं घर में आप प्रेजुडाइस क्या है उसे पढ़ें और पढ़ के इसे समझने की कोशिश करें। थैंक यू।